और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से आ रही है, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे द्रंग विधानसभा क्षेत्र। जी हां, द्रंग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। द्रंग विधानसभा को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है अपने 3 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान। यह आखिरी दिन नितेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेश, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन, और आज द्रंग विधानसभा को कई सौगातें जो हैं वो दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने तीसरे दिन यहाँ पे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बटोक क्षेत्र में लगभग 101 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण यहाँ पे किया है। इसके साथ ही जनता को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बताना चाहूंगा कि मंडी में जो लोकसभा का उपचुनाव है वो भी होने वाला है, उससे पहले धड़ाधड़ मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे जो शिलान्यास है और लोकार्पण वो भी किए जा रहे हैं, और ये चुनाव की दृष्टि से भी एक बेहतर निर्णय सरकार का हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है शिमला से, जहां पर शिमला में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। बता दें आपको सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। जानकारी आपको दे दें कि गेटी थिएटर में सुबह 11 बजे इसका आगाज जो है वो होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे गेटी थिएटर पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। ग्राफिक्स के जरिए आपको कार्यक्रम बता रहे हैं। 11:05 पर स्वागत संबोधन, 11:15 बजे शपथ ग्रहण, तो 11:17 पर कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। 11:25 पर देशभक्ति आधारित समूह गान की प्रस्तुति होगी। 11:38 पर सीएम जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे। 11 बजे गेटी थिएटर पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। ये कल का जो पूरा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर हमीरपुर जिले में आज शोक की लहर है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर विस्फोट के दौरान शहीद हुए जवान कमल बैद का सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कमल बैद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त हमीरपुर देवश्रिता बनिक और साथ ही एसपी हमीरपुर भी मौजूद रहे। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में मौसम की। जी हाँ, मौसम की बात करेंगे तो अब दरअसल हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख से मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
कुल्लू के विकासखंड आनी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। कुल्लू में लगातार बारिश के बाद शनिवार तड़के 3 बजे आनी की मुचेर पंचायत में कुदरत ने कहर बरपाया और इस दौरान बाढ़ खादवी और साथ ही तराला गांव में कई खेत और सेब से लदे जो पेड़ों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं फिलहाल वो आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के कारण खादवी और तराला गांव के अलावा सरट में भी भारी नुकसान हुआ है, जबकि समासर के पास उगरा जाओ तराला मार्ग भी इससे अवरुद्ध हुआ। साथ ही सेब के बगीचों, जमीनों और मकानों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। तो काफी नुकसान जो है भारी बारिश के बाद भी हुआ है और वहीं आनी में बादल फटने की वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उधर कांगड़ा जिले से दिल को खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कांगड़ा के सबसे दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में अब पहली बार उपमंडल स्तर का स्वतंत्रता समारोह मनाया जाएगा। ऐसी क्या वजह है कि यहां पर पहले कभी इस तरह का समारोह नहीं मनाया गया और कौन इस बदलाव के पीछे अपनी भूमिका निभा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए जरा। जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल का बड़ा बंगाल क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, न आज दिन तक वहां तक सड़क पहुंची है न बिजली पहुंची है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपमंडल स्तर का स्वतंत्रता दिवस जो है वो वहां पर मनाया जा रहा है और ये इनिशिएटिव यहां के जो एसडीएम हैं सलीम जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। जी हां, आपका अपना पसंदीदा चैनल जनता टीवी कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल पहुंचा। ये इलाका अति दुर्गम इलाकों की फेहरिस्त में शामिल है। यहाँ पर आने के लिए सड़क नहीं है, पहाड़ों पर पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में 15,000 फीट की ऊंचाई वाला अति कठिन थमसर पास भी पार करना पड़ता है और सामान खच्चरों पर पहुंचाया जाता है। बरसात के मौसम में तो यहां पर जाना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है और रास्ते में कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली तक नहीं होती। इन तमाम परेशानियों के बीच एक सकारात्मक खबर इस इलाके से सामने आई। यहाँ पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। बैजनाथ के एसडीएम सलीम आजम ने इस दौरान कहा कि वो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचेंगे। साथ ही यहाँ पर हेल्थ कैंपस भी लगाया जाएगा जो कि लोगों को कोविड को लेकर जागरूक करेगा। बड़ा बंगाल जो है बड़ा बैकवर्ड इलाका है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ तो इसके बारे में मैंने बचपन से सुना था, लेकिन जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे बहुत कम एसडीएम जो है वो जा पाए हैं, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है और 3 दिन जाने को लगते हैं और 2 दिन दूसरी साइड से होली से वापस आने को लगते हैं। रोड कोई नहीं है, सिर्फ खच्चर वाला रोड है और पल्ली साइड तो फिर पैदल चलना ही मुश्किल है। हालांकि वहाँ पर 650-700 के करीब आबादी है और आजकल सीजन में सारे लोग वहाँ पर हैं, वहाँ खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं। तो मैंने अपने इस प्रपोजल को सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ, तो मुझे एज ए एसडीएम तो उस इलाके को देखना है, तो क्यों ना स्वतंत्रता दिवस भी इस बार सब डिवीजन लेवल का वहीं मनाया जाए। तो इस सोच के साथ मैंने अपने आदरणीय डीसी साहब से बात की तो उन्होंने बड़ी खुशी से इसको जो है वो परमिशन दी। एसडीएम साहब की पहले ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ये स्वतंत्रता के बाद शायद पहली बार हो रहा है कि बड़ा बंगाल में एक आला अधिकारी ध्वजारोहण के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जनता प्रशासन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। उधर स्थानीय लोगों से जनता टीवी ने बातचीत की। बंगाल के प्रधान ने कहा कि ये पहला अवसर है जो किसी अधिकारी ने बड़ा बंगाल के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से उनकी पंचायत के लोगों में भारी उत्साह है और वो प्रशासन के स्वागत की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। आज़ादी के बाद इस तरह का स्वतंत्रता दिवस जो है वो बड़ा बंगाल में मनाया जा रहा है। एक कबायली क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो है वो कबायलियों की ज़िंदगी जीते हैं और उनके लिए अगर प्रशासन अगर पॉसिबल हुआ वहाँ पहुँच गया तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई और ये इतिहास जो है वो रचा जाएगा। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। उधर हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेले का आगाज हो चुका है, ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने समस्त प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है और कहा कि ऐतिहासिक मेला है जो कि संस्कृति का परिचायक है। इस मेले की हिमाचल वासियों और विशेष करके चंबा वासियों को बधाई। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों विशेषकर चंबा
वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मिंजर का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है जो हमारी पुरातन संस्कृति का परिचायक है। लगभग 1000 वर्षों की यात्रा पूरी करने वाले चंबा शहर के ऐतिहासिक चौगान में मिंजर मेले को बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है और मेले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से और पर्यटकों के आने से बड़ा योगदान रहता है। अब की बार यह मिंजर मेला 25 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत केवल रस्मों की अदायगी ही की जाएगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लिहाजा रस्मों को निभाने तक ही मेले का आयोजन होगा। आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक होंगी, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। पुनः एक बार फिर से मैं मिंजर मेले के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। तो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ आज भगवान रघुवीर और लक्ष्मीनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ हो गया। हालांकि पिछले साल के तरह ही इस साल भी ये मेला कोरोना के कारण मात्र रस्मों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन आखिर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला क्यों है प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध, आइए जानते हैं। ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शुरुआत 25 जुलाई यानी आज भगवान रघुवीर और लक्ष्मीनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ ही हो गई है। बता दें कि मिंजर मेले को हमेशा से ही मुस्लिम हिंदू भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, जहां चंबा के मिर्जा परिवार के सदस्य आज भी हिंदू भाइयों के लिए मिंजर बनाते हैं और करीब 400 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है जिसका समापन 1 अगस्त को किया जाएगा। हालांकि सदियों से परंपरागत तरीके से मनाया जाने वाला ऐतिहासिक मिंजर मेला इस बार भी कोरोना की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते इस साल भी मिंजर मेले के शुभारंभ और समापन मेले की रस्में ही अदा की जाएंगी। यानी इस बार भी मेले के दौरान सांस्कृतिक, व्यापारिक और खेलकूद गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं आज मिंजर मेले के शुभारंभ पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भी कोरोना नियमों का खास ध्यान रखा गया और शहर के बाजार दोपहर बाद तक बंद रहेंगे। वहीं इस साल भी शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से परामर्श के बाद जिला प्रशासन ने मेले के शुभारंभ और समापन मौके की रस्में ही निभाने का फैसला लिया है, जिसके चलते मेले के शुभारंभ और समापन मौके की रस्में निभाने की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंपी गई है। वहीं मिंजर मेले की अवधि के दौरान चौगान स्थित कला केंद्र में पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार का गायन होगा। हालांकि लोगों की चौगान में जाने पर मनाही रहेगी, लेकिन लोग कुंजड़ी मल्हार का विभिन्न माध्यमों से घर बैठे ही लाइव प्रसारण देख पाएंगे। बता दें कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है। नगर परिषद चंबा कार्यालय से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है जो कि लक्ष्मीनाथ मंदिर से होते हुए पिक पैलेस तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। मिर्जा परिवार द्वारा बनाई जाती है मिंजर, जिसे भगवान रघुनाथ को अर्पित कर मिंजर मेले का आगाज होता है। चंबा के मिर्जा परिवार आज भी हिंदू भाइयों के लिए मिंजर बनाते हैं। रेशम के धागे में मोती पिरोकर बनाई जाती है मिंजर। लगभग 400 साल से चली आ रही है ये परंपरा। श्रावण मास के दूसरे रविवार से सप्ताह भर तक होता है इसका आयोजन। ऐतिहासिक चंबा चौगान में मिंजर का ध्वज चढ़ाया जाता है। मक्के, गेहूं, धान और जौ आदि की बालियों को स्थानीय लोग मिंजर कहते हैं। मिंजर मेले के दौरान जरी या घोटे से बनाई गई मिंजर को कमीज के बटन पर लगाया जाता है और मेले के दौरान पहना जाता है। मेले के समापन पर इसे रावी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। बता दें कि मिंजर का आदान प्रदान करना शुभ माना जाता है। हालांकि आजकल मेले का स्वरूप बदला है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर अर्पित होने वाली मिंजर को आज भी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तैयार करने की परंपरा कायम है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग
रेशम के धागे में मोती पिरोकर मिंजर तैयार करते हैं। न्यूज डेस्क जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। देश सहित हिमाचल प्रदेश के लिए सोमवार की सुबह महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रदेश के बॉक्सिंग स्टार और ओलंपियन आशीष चौधरी टोक्यो ओलंपिक में 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपना पहला मुकाबला चीनी मुक्केबाज के खिलाफ खेलेंगे और ये मुकाबला सोमवार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। बता दें आपको कि मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के रहने वाले आशीष के इस रोमांचक मुकाबले पर उनके परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश के लोगों की जीत हासिल करने को लेकर नजर रहेगी और अब हिमाचल वासियों को अपने इस मुक्केबाज पर देश के लिए गोल्ड मेडल लाने को लेकर पूरी उम्मीद है। मेरा बेटा आशीष ओलंपिक खेलने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। किस तरह से तैयारी करता था आशीष? आशीष सुबह 5 बजे ग्राउंड चला जाता था और 9 बजे घर आ जाता था और शाम को 4 बजे ग्राउंड जाता था और शाम को 8 बजे घर आ जाता था। किस तरह के सपोर्ट रहा है आपको? उसको उसके पिता का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके पिता चाहते थे कि वो ओलंपिक खेले और ओलंपिक से मेडल लाए। उसके उनका सपना वो पूरा कर रहा है। छोटे भाई आशीष चौधरी को बहुत बहुत बधाई कि वो ओलंपिक खेलने जा रहा है और हिमाचल का एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी है जो ओलंपिक के लिए हिमाचल से क्वालिफाई हुआ है। तो उसमें हमारे पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे परिवार और हिमाचल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आशीष ओलंपिक खेलने जा रहा है और हिमाचल, हमारे परिवार और पूरे हिमाचल को उम्मीद है कि वो इस बार ओलंपिक से मेडल लेके ही आएगा। वो एकमात्र बॉक्सर है जो हिमाचल में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ है आज तक हिमाचल से। परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट रहा है पर उसके साथ उसने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है जिससे वो इतने ऊँचे लेवल पर पहुँचा है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा छोटा भाई जो है टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहा है। हम उसकी कड़ी मेहनत से बहुत खुश हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय उसके लिए और बेहतर हो और वो जो उसने मेहनत की है वो रंग लाए और ओलंपिक से मेडल लेके आए देश के लिए, प्रदेश के लिए। हाँ, हमारे चाचा जी हमेशा जो हैं यही बात कहा करते थे कि कुछ बड़ा करो और लड़के ने करके दिखाया है और उनका सपना जो है वो अवश्य पूरा करेगा और देश के लिए मेडल लेके आएगा। उधर उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता की जान की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ मेला रद्द कर दिया है। बता दें आपको कि कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्तों का हरिद्वार आगमन रहता है। इसको देखते हुए ही उत्तराखंड पुलिस प्रशासन, हिमाचल और हरियाणा पुलिस के साथ बैठक हुई जिसमें की बॉर्डर को सीज करने का फैसला लिया गया। वहीं पौंटा डीएसपी वीर बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल बैठक रखी गई थी जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से आम जनता की जान की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। हर वर्ष की बात है, कांवड़ मेला हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जाता है लेकिन पिछले वर्ष स्थगित कर दिया गया था कोविड की वजह से। इस वर्ष भी उत्तराखंड सरकार ने इसको स्थगित करने का फैसला लिया है जिस संदर्भ में अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग वहाँ पे अटेंड की थी और उस मीटिंग में ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी कांवड़ जो है वो इस बार यात्रा नहीं होगी और अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो है वो बस में या किसी अन्य गाड़ी में वहाँ पर आता है जो कांवड़ से रिलेटेड अगर आता है वहाँ पर तो उसको 14 दिन के लिए वहाँ पे वो क्वारंटीन कर लेंगे और उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है वो भी वो करेंगे। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।